अस्सलाम वालेकुम, रोज न्यूज के साथ मैं हूं जहांगीर खान। शामिल करेंगे हेडलाइंस। ऑपोजिशन जमातें चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए मुतहद, करारदाद पर दस्तखत के लिए हिजब इख्तलाफ का सेनेटर्स का इजलास पार्लियामेंट हाउस में जारी। करारदाद आज चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में जमा कराई जाएगी। चेयरमैन सेनेट को हटाने के लिए ऑपोजिशन के पास मतलूबा अक्सरियत से जायद की तादाद मौजूद। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास 6 निगाती एजेंडे पर गौर होगा। साबिक़ अरकान पार्लियामेंट के दौरों की तफसीलात पेश की जाएंगी। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला भी ज़ेरे बहस आएगा। वज़ीर आज़म दौरा अमरीका से मुतालिक वफाकी काबीना को एतमाद में लेंगे। कायमा कमेटियों के आज होने वाले तमाम इजलास मनसूख। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की कायमा कमेटियों के इजलास सिर्फ कौमी असम्बली के इजलास के दौरान बुलाने की हिदायत। हुकूमती इकदाम पर अपोजिशन की शदीद मजम्मत। शाजिया मरी ने कहा है कि हुकूमत पार्लियामेंट को गैर जमहूरी तरीके से चला रही है। IMF से $1 अरब की पहली किस्त आज पाकिस्तान को मिल जाएगी। IMF के पाकिस्तान मिशन चीफ के मुताबिक पाकिस्तान में डॉलर एक्सचेंज रेट हकीकत के करीब तर है। एशियाई तरक्याती बैंक आइंदा 5 साल के दौरान पाकिस्तान को $10 अरब कर्ज देगा। बजट में सेल्स टैक्स में इजाफे के खिलाफ ताजिरों का एहतजाज। फैसलाबाद और गुजरावाला में ताजिर बरादरी की हड़ताल का दूसरा रोज। कबायली अजला में भी हड़ताल, 35 स्टील मिल्स बंद हो गई। वज़ीर आज़म ने हकदारों को उनका हक पहुंचाना शुरू कर दिया। इदारों में इस्लाहात और उन्हें पांव पर खड़ा करने के लिए पुरअज़्म है। मजबूत इदारे मुल्क इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर हैं। मुआवन खुसूसी तलाब पे 2 आशिक आवान का ट्वीट। वज़ीर आज़म का आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को रियायत ना देने का फैसला। इमरान खान ने वजारत खारजा से दोनों के इलाज पर उठने वाले खराजात भी तलब कर लिए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ को जेल में परहेजी खाना फराहम ना करने पर एहतजाज। कहा, नवाज शरीफ को परहेजी खाना फराहम ना किया गया तो नतीजे के जिम्मेदार वज़ीर आज़म इमरान खान होंगे। मरीज का परहेजी खाना रोककर इमरान खान सियासी इंतकाम के बदतरीन दर्जे पर फायज हो गए। गुजरात सियालकोट चहलम जफरवाल पसूर में गरज चमक के साथ बारिश। मौसम खुशगवार। रावलपिंडी लाहौर गुजरांवाला फैसलाबाद और पिशावर में भी बादल बरसने की पेशगोई। सिंध और बलोचिस्तान में मौसम बदस्तूर गर्म रहने का इम्कान है। चित्राल में ग्लेशियर टूटने के बाद सैलाबी सूरतेहाल बरकरार। सैलाबी रेलों के बाद लोग खौफजदा। लोग देहात से निकलकर पहाड़ पर पनाह लेने पर मजबूर। डिप्टी कमिश्नर की NDMA से हेलीकॉप्टर देने की अपील।